हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं IMEI नंबर के बारे में। जैसे कि हम IMEI नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये Realme का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च वाले, सॉरी फ्रेंड्स, पहले आपको एक और तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है अबाउट डिवाइस, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है IMEI नंबर। तो यहाँ से हम अपना IMEI नंबर चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर क्या सर्च करना होगा, IMEI नंबर यहाँ पर सर्च में शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर IMEI नंबर आपका आ जाएगा और यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर भी चेक कर सकते हैं। ब्लूटूथ एड्रेस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर IP एड्रेस है, IMEI सेव है और बैटरी लेवल है, बैटरी स्टेटस है। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए PC से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।